नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल मिस्टर कश्यप पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूएसपी पोर्ट्स को ब्लॉक कैसे करते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आपके एब्सेंस में बिना आपकी परमिशन के ना तो आपके सिस्टम या लैपटॉप के अंदर कोई भी डेटा ट्रांसफर किया जा सकेगा और ना ही वहां से कोई भी डेटा को कॉपी कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है रन कमांड के अंदर, विंडो प्लस आर, रेजी एडिट टाइप करेंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी टाइप है, और स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर स्पेलिंग गलत होगी तो कमांड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। चलिए एंटर किया, एक पॉपअप विंडो ओपन हुई है मेरे सामने। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें मेंशन है, फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट एंड हेल्प। यहाँ पे हमें सर्च करना है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कई सारे ऑप्शन एच की क्लासेस के अवेलेबल हैं, एच की करंट यूजर हैं। हमें यहाँ पे सर्च करना है एच की लोकल मशीन, जो कि यहाँ पे एच की लोकल मशीन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें जाना है सिस्टम्स के अंदर, उसके बाद हमें जाना है करंट कंट्रोल सेट, क्लिक करेंगे हम इसे। उसके बाद सर्विसेज, यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूएसपी स्टोर। आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे आप देखें ये मिल गया मेरे को यूएसबी स्टोर। उसके बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है इस वाली राइट साइड वाली जो विंडो आ रही है हमारे सामने, यहाँ पे स्टार्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके सामने, एक फाइल आ रही होगी छोटी सी, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपके सामने जो वैल्यू नेम आ रहा है स्टार्ट, इसको ना छेड़ें आप। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरी जगह पे वैल्यू डेटा, इसके अंदर एक वैल्यू आ रही होगी 3, इसको हमें सिर्फ 4 करना है। इसको हमने 4 किया, बाकी कोई दूसरी सेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ उसको फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद विंडो क्लोज कर दी। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको शो करा देता हूँ, ठीक है। आपका जो यूएसबी पोर्ट्स हैं, जितने भी आपके सिस्टम में कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर जितने भी यूएसबी पोर्ट हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक हो चुके हैं। तो देखा दोस्तों कितनी आसान तरीके से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप्स के ऊपर यूएसबी पोर्ट्स को ब्लॉक करके अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज का भी ट्यूटोरियल शूट करूं तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उस ट्यूटोरियल वीडियो को शूट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।